बचपना कुछ कुछ करके भरा हुआ है ना ही हम इतने समझदार हैं। और मेरे हस्बैंड जो है पूरा गांव के समझदार इंसान है, 5 साल का बेबी ऐसे ही नहीं आया है। गर्ल्स को नहीं पढ़ा है, नहीं, मतलब वाइफ को पढ़ा है। कितने लोग दे, 236 लोग ना बुला लिए अपने वाइफ को। हाँ, जो वाइफ को पढ़ा है शादी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए इस वक्त गांधी मैदान में, जहां पर करियर की स्टार्टअप किस तरह से होता है और लोग किस तरह से मेहनत करते हैं उसको हम आज दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम घातक ट्रेनिंग सेंटर की ओर से, यहां पर जितनी भी लड़कियां हैं वो लोग देखिए कड़ी मेहनत कर रही है और लगातार 8-10 राउंड मार के आई है, जो की मद निषेध की तैयारी है, बिहार पुलिस की तैयारी है, दरोगा की तैयारी है। तो चलिए उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं और लाइफ में किस किस पोस्ट पे वो लोग जाना चाहते हैं, तो उनकी जो मर्जी है वो जानेंगे। और देखिए यहाँ पे किस तरह सभी लाइन में लगे हुए हैं और सभी तैयारी में लगे हैं। अभी कितने राउंड मार लिए हैं? कितने राउंड लगा है? अच्छा, किस चीज़ की तैयारी चल रहा है? बिहार पुलिस की। तो तैयारी में कैसा लग रहा है अभी? अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कुछ दिन आई हूँ। कुछ दिन कहाँ से? यहीं पे रहती हूँ, पटना में। कुछ दिन हुआ, मतलब कि तैयारी कर रहे। तो अभी क्या चीज़ बनने का क्या सपना है आपका? गोल क्या है? फिलहाल तो गोल ग्रुप फॉर्म चाहिए। किस चीज़ में? अच्छा, मतलब इसका रिजल्ट हो गया है। रिजल्ट हो गया तो अभी रनिंग आएगा। तो रनिंग के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं? ठीक, बात बताइए फैमिली बैकग्राउंड से क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है? पूरा सपोर्ट। ज्योति मोरिया को देखा जाए तो जिसको उसको लेकर पूरे लड़कियों पे प्रभाव पड़ा है, कहीं ना कहीं पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, पड़ा है ना? नहीं, मेरे घर में। आपके घर में नहीं पड़ा? अच्छा, आपके घर में पड़ा है? नहीं, तो नहीं पड़ा है। नहीं, ज्योति मोरिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सभी लड़कियों पे प्रभाव पड़ा है इसको। पड़ा है या नहीं पड़ा है? नहीं, नहीं पड़ा है। बैकग्राउंड सपोर्ट एक वाइफ को पड़ा है, वाइफ को पड़ा है, गर्ल्स को नहीं पड़ा है? नहीं, वाइफ को पड़ा है। मतलब वाइफ को पड़ा है। कितने लोग दे, 236 लोग ना बुला लिए अपने वाइफ को। हाँ, जो वाइफ को पड़ा है शादी के बाद। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, बिहार की लड़कियाँ ऐसी हो सकती है क्या? हो सकती है, कुछ कुछ ऐसा है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन सब एक जैसा नहीं है। सब एक जैसा नहीं? नहीं, आप लोग उनमें से नहीं है? नहीं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ, चलने आए हैं, सपना वो पूरा करके जाएंगे। सपना करके ही जाएंगे। अच्छा, किस ट्रेनिंग सेंटर से आप? यही घातक। घातक कैसा ट्रेनिंग सेंटर? बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर। वर्कआउट कितने लड़के आप लोग होते हैं? 30-40 यही होंगे। सुबह शाम दोनों? हाँ, सुबह शाम। अच्छा वर्कआउट होते हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। कितने राउंड लगा लिए आप? आप मैरिड हैं? ज्योति मोरिया। ज्योति मोरिया नहीं, वो भी है। ससुराल मेरा नवादा। ससुराल आपका नवादा है? मायके कहाँ है? मायके ऐसे तो बिहार में ही है, बट मेरा बचपन जन्म वगैरह सब उड़ीसा से हुआ। बिहार के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है, बट शादी के बाद ही मैं बिहार के बारे में मुझे कुछ पता है। तो आपके घर वाले मतलब अलाउ कर रहे हैं कि आप तैयारी कर सकते हैं? ससुराल वाले फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कहीं आपके हस्बैंड और सासू माँ? अच्छा, कहीं आपके हस्बैंड भी दोबारा पट्टा से बाहर घर खुला लिए तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि आप ज्योति मोरिया नहीं है। आपका नाम क्या है? तुम लोग इधर जाओ, पीछे जाओ। नहीं, ऐसा ज्योति मोरिया के बारे में ऐसा हुआ तो हम लोग ऐसा फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं। यहाँ तक कि हम मेरे हस्बैंड को बोलते भी है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम ज्योति मोरिया नहीं है और ना ही आप आलोक मोरिया। सही बात है, क्योंकि सब आलोक मोरिया नहीं है और सब ज्योति मोरिया नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग तैयारी इतना मेहनत कर रहे हैं, तकरीबन 2-4 राउंड भी लगा चुके हैं आप लोग, 8 राउंड लगा चुके हैं, कहीं ना कहीं सफलता दिख रहा है आपको? और इस लाइन में कितने दिन से आप मतलब सोचे कितने दिन से कि ये सब करना है हमको? हमको घर से ऑनलाइन स्टडी करते थे मैरिज के बाद से, बेबी होने के बाद से। बेबी भी है? 5 साल की बेबी है मेरी। 2017 में शादी हुआ, उसके बाद से स्टार्टिंग की है। 1 साल ऑनलाइन क्लास की है तो मेरा दरोगा निकला है। दरोगा के बाद मेरे हस्बैंड मतलब भेज दिए मुझे यहाँ पे। 1 साल पढ़ाई की है तो फायरमैन निकला, फायरमैन में मेरा मैरिड नहीं बना इसी बार तो। उसके बाद फिर दरोगा का क्लास कंटिन्यू किया तो मद निषेध निकल गया। लगता नहीं कभी कभी कि लाइफ से थक जाते हैं, उठ जाते हैं? मद निषेध में नहीं हुआ रिजल्ट, मैरिड नहीं बना, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं होता तो दिल टूट जाता है। लगता है
गया था, तो हम हस्बैंड को बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेते हैं, आप दूसरी शादी कर लो। वो मुझे समझाते हैं, बस वो चाहता है हम कुछ। अच्छा, वो आपको समझाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं आपको। हाँ, ऐसा कभी कभी लगता है क्योंकि मेरे अंदर बचपना फूट फूट करके भरा हुआ है। ना ही हम इतने समझदार हैं और मेरे हस्बैंड जो है पूरा गांव के समझदार हैं। समझदार तो है, 5 साल का बेबी ऐसे ही नहीं आया है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? फतुआ से। प्रतिदिन यहाँ आते हैं या पटना में रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। घातक ही है। घातक हॉस्टल कैसा? घातक हॉस्टल कैसा? बहुत अच्छा। सुबह शाम रनिंग की जाते हैं? पीछे पीछे चल। कैसा ट्रेनिंग चल रहा है? आ गया। पसीने पसीने हो गए। क्या उम्मीद है इस बार के एकदम सपना पूरा होगा? निकल गया है मन से। निकल गया है? हाँ, निकल गया है। क्या पकड़ेंगे? दारू पकड़ेंगे? नहीं, खूब चुरा के नहीं ना पिएंगे? नहीं नहीं, पूरा बिहार से सफाया कर देंगे फिर भाई, है ना? बिहार से करप्शन को हटा दीजिए। हाँ, मिल के पढ़े लिखे समझदार है ना पत्नी से। अच्छा, और जो पहले से है वो पता नहीं, घुस लेके घुस कर आओगे। लेकिन आप लोग मेहनत करके जाएंगे, मेहनत तो चेहरे से नजर आ रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पर और भी लड़कियाँ जिनसे हम बात करेंगे, ऐसा तो लग रहा है कि जैसे बहुत मेहनत कर जाएंगे, इतना पसीना पसीना हो गई है कि सीधी जाएंगे। कैसा तैयारी चल रहा? कहाँ की रहने वाले? जमुई। जमुई से पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मम्मी पापा के साथ रूम लेकर आ रहा है। स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, मेहनत खूब है, बहुत जल्दी क्या लग रहा है, सफलता मिल जाएगी इस बार? वो तो पता नहीं, पर अपना काम करते रहना चाहिए। अपना काम करते रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग लड़की हैं, इतना मेहनत कर रही हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में आगे कुछ कर गुजरने का सपना है? हाँ, फैमिली से बैकग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट मिल रहा है। फैमिली वाले शादी वादी का बातचीत नहीं जाना? अभी शादी वादी नहीं, जॉब कर लो फिर शादी कर लो। अच्छा, उसके बाद कहीं कुछ और हो गया तो? कुछ और क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है। लड़की लोग पे लोग विश्वास बहुत कम कर रहे हैं। लड़की को जहाँ तक देखा जाए तो अभी समाज में फिर से जो पहले सोचता उसमें फिर एक बदलाव रिजल्ट हो जाता है ना, तो फैमिली वाले फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत ऐसी लड़कियाँ जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पैसा का सपोर्ट हो या तो मानसिकता की सपोर्ट हो, जिसको लेकर लड़की लोग पीछे रह जाती है। तो आपका मेंटालिटी किस तरफ काम करता है? आपको क्या लगता है, उन लड़कियों को भी आगे आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। तो ऑनलाइन हो गया है, घर में भी आके पढ़ सकते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? कंप्यूटर हो गया, उसकी लखीसराय से पढ़ने के लिए रनिंग के लिए? सिर्फ रनिंग के लिए आए? हाँ। और लखीसराय में नहीं है अकेडमी? नहीं है अकेडमी, यहाँ रह रहे थे ना भैया लोग, तो बोले आ जाओ इन करवा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब गप्पे भी लड़ा रहे, तो फिर हम इनसे बात करेंगे, उस मुद्दे की बात करेंगे। ये भी देखिए मैरिड है, ये भी है इधर, दूसरी ज्योति, दूसरी SDM ज्योति मौर्या बनने वाली है। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी करेंगे? बिहार पुलिस की तैयारी। कैसा चल रहा है तैयारी? मैरिड है। कहाँ से? जम्मू जिला से। जम्मू जिला पटना यहाँ अकेडमी में ज्वाइन किए हैं, वहाँ जब अकेडमी नहीं था? नहीं। दोनों साथ में क्या लग रहा है, दोनों जोड़ी मिला के इस बार बिहार का सफाया लग रहा है? बाबू भी है क्या? अच्छा, आप भी मैरिड हैं? आपके हस्बैंड घर पे हैं? और आप बिहार की तैयारी घर लगे हैं? क्या करें, करना तो पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ जी, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बढ़िया। तो देखिए, इस तरह से लड़कियों से हम बात करने के बाद जो जानकारी मिलता है, जो जानकारी देखिए, कहीं ना कहीं बिहार में जितने भी लड़कियां हैं वो सभी लोग किस तरह से तैयारी करें, लगातार मेहनत करें, इतने कड़ी धूप में गर्मी में लोग देखिए किस तरह से जमीन पे मिट्टी दिख रहा है, यहाँ पे घास नहीं है कि घास पे लोग गिरेगा पटकाएगा तो चोट नहीं लगेगा, यहाँ पे डायरेक्टली चोट लगेगा। लेकिन ये सारी लड़कियाँ यहाँ पे तैयारी कर रही है, कंटिन्यू मेहनत में लगे हैं। कोई मद निषेध का रिजल्ट की नहीं कहा है, कोई दरोगा का है, कोई बिहार पुलिस का। तो देखिए, जितने लड़के लोग मेहनत करते हैं उससे दुगना लड़की लोग अब मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं लड़की को सरकार भी छूट दे रखा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।